हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अनीता जी के किचन में। आज मैं आपको चना और लेतरी का साग कैसे बनाते हैं गांव में वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, लेतरी का साग ले आए हैं लाला जी। चना का भी है, लेतरी का भी है, दोनों साग मिक्स है। इसमें हम खेत से जाके बथुआ ले आए हैं, वो मिलाऊंगी। तो देखिए, बथुआ निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बथुआ इस तरीके से है, इसमें कहीं कहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, इतना सारा बथुआ हम तोड़ लिए हैं और हम बथुआ पूरा डलिया भर के निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चना का पौधा है, ये देखिए। तो चना का ये जो साग है, इसको ना हम नरम नरम पत्तियां लेंगे, हार्ड वाला हटा देंगे। तो लाला जी थोड़ा हार्ड हार्ड लेके आ गए हैं खेत से। तो चना का साग को ना इतना प्रतिशत तोड़ना होता है, तो सभी को पता नहीं चलता है, तो थोड़ा ज़्यादा तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम नरम नरम पत्ता को तोड़ लेंगे चना का। ये देखिए, इसी में चने की दाल बनती है। चने की दाल, चने की भुंजा। काला चना वाला ना? काला चना है ये। अच्छा, काला चना का पौधा है। ये है लेतरी का साग। लेतरी क्या होता है? ये लेतरी एक वही है, चना का ही भाई बहन है। अच्छा। हाँ, तो ये भी अनाज ही है। तो चना का साग भी, लेतरी के साग भी, सभी को हम छाट के रखते जाएंगे फाइनली करके। और ये जो मैं बथुआ लाई हूँ, ये देखिए, इसको मैं तोड़ूंगी, इसका जड़ जड़। और बंदर आया है दोस्तों, सब बच्चे हल्ला कर रहे हैं। इसमें भी सॉफ्ट लेना रहता है हमें। ये देखिए इस तरीके से। तो सभी चीज़ों को हमें पहले छांटना है, उसके बाद हमें इसको धो के बारीक बारीक काटना है। हम लोग तो बिना धोए काटते हैं, लेकिन बहुत से हमारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर बोले हैं, अनीता जी पहले धो के तब काटिए, नहीं तो उसका विटामिन चला जाता है। तो मैं धो लूँगी और काट लूँगी, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो, बहुत से दोस्त हमारे बोले थे, अनीता जी चना का साग बनाइए, लेतरी का साग कैसे आपके गाँव में बनता है। तो मैं आप ही लोगों के लिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं साग का बहुत रेसिपी दी हूँ, और आप लोग बोलिए कि अनीता जी कितना साग खाती हो, ये बात सच है, मैं साग बहुत खाती हूँ। तो देखिए, मेरा सखी भी आ गई है मेरा हेल्प करवाने। ये छोटी सी प्यारी सखी बहुत अच्छी है। सुबह नाक बह रहा था तो नाक साफ करिए, दिखाओ तक किया है। हाँ, साफ बह। तो मेरी सखी का तर नाम का हो बता देना। सखी, सखी के नाम नाम धर के हमारा तर नाम का हो बता दो। तो जोर से बोलो, जोर से बोला, का नाम होता है? पता नहीं की। तो हम नाम धो दें तो फिर कट जाई तार सख, हमार सखी, सखी पना कट जाई, सखी के नाम नाम धल जला। तो दोस्तों, गांव में ना जो सखी होती है, उसके नाम नहीं पकड़ा जाता है, एक भी बार नहीं पकड़ा जाता है, नहीं तो सखी टूट जाता है। पकड़ा जाए मतलब बिगाड़ देनी है? नहीं, नाम बोलते नहीं। अच्छा, उसको सखी के नाम से ही बुलाएंगे। अच्छा, ऐसा है। तो जो सखी होती है ना, उसका नाम नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन मैं अपने सखी का नाम बता देती हूँ। सखी का नाम है रागिनी। रागिनी, रागिनी नाम है तो काय फॉलो करने के पता है ना। देखो हमारा, ये देखो ना। तो देखिए दोस्तों, रागिनी है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी सखी है मेरी। तो अब तो सखी कट गई, नाम बता देनी रागिनी तार नाम हो तो अब क्या करूँ। सखी कट गई तब जा तू, तो फिर जोड़ेबू, हाँ फिर जोड़ेबू सखी, हाँ तो ल कर ला, तो फिर बाद में तू कहू कि कट गई बा, जल्दी कर ला, जल्दी कर ला, बाद में करिए तू, सगवा बाद में तुरी हो। अरे सखिए जोड़ा ला, पहले हो गई नू। तो देखिए दोस्तों, फिर से हमारा सहेली पंती जुड़ गया है, सखी पंती, नाम ले ली थी अपनी सखी को, मेरे को माफ़ कर दीजिए हम सखी। सखी का नाम नहीं लिया जाता है, तो ये इतनी अच्छी सखी है कि मैं गोद में भी ले लेती हूँ। आवा है ना, है ना, आवा देखो।
लट्टू मिली है। देखिए दोस्तों, तो साखी को मैं गोद में ले लेती हूँ अपना। ए लट्टू भी लिए है, हमारा को दे दी हो साखी, हम नचाए भेंगतिया छोटी सखी छोटी सखी छोटी सखी। गोल्डी कहाँ है? तू तो लोकते नहीं खे फिलाड़े रहती है। तोरे लगन गोल गई देख देख, वो उनके पास ये कट्टी करा ली है मेरे से सखी अंकल। जा तो कट्टी 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 जा। देखिए दोस्तों, साग हम बारीक बारीक कटवा ले रहे हैं अपने चाची जी से। ये देखिए किस तरीके से साग को काट रही है बारीक बारीक। तो देखिए यहाँ पे हम चूल्हा जला लिए हैं, अब कढ़ाई को रख लेते हैं, साग कढ़ाई में डाल लेते हैं। गोभी की सब्जी बना दे लूं? ना भूत खा रहा हूं, गोभी की सब्जी बनाए बनाए दिमाग मत है। गोभी की बनिया नु के अभी छील के दाल में डाल दिए, दाल फ्राई बनी, चावल बनी, आलू का चोखा बनी और साग इस हम ले हम चावल पक्का वाला तोने बनी घर वाला चावल बनी ना पक्का चावल बनी। आज तो एक साल के बाद से साग बना होता री। हो आज पहला बार बना रहे दिया साग ही। अरे गिरावट का है, छोटी मिले बोरा में भर के रख दे बोरा में। अभी उतना तो रख ही देता हूँ। इंगा संगता गिरा था झड़िया तरफ लगे का। कहाँ गिराया हूँ? दिमाग चार जाता री। बोरा में भर भूसा चल। हमें कितना टाइम लगेगा साग बनने में? 40-45 मिनट साग बनने में लगेगा। साग में दोस्तों हम पानी नहीं डाले हैं, अपने आप पानी छोड़ देगा साग। इसे ढक्कन से ढक देते हैं और गलने देते हैं। और लाला जी से काम कराया जा रहा है, देख सकते हैं। पानी बोतल ले रहा हूँ पानी भरने के लिए, ठीक है? क्या हुआ मम्मी? देख सक रहे कौन ये भूसा भर के तो कहो तो बोतल ले आता नहीं पानी भर के। इसमें भर दूँ इसी में? आज तोरा लिखो था ऐसे। लो इसी में भर दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, चना के साग हमारा कितना अच्छा पक चुका है। देखिए अब इसमें हमें डालना है नमक। ज़्यादा रहता है साग तो हम नमक नहीं डालते हैं, जब कम हो जाता है तब नमक डालती हूँ। क्या बना रहे हो? साग। खैबा न खैबा का न खैबा। मोटा लोग साग खाता है, पतला लोग सब्जी खाता है, ठीक है? ठीक है। हाँ तो नमक डलवा लो। डालो नमक डाल लेते हैं दोस्तों। और आपका अगर मन कर रहा है तो इसे फ्राई करके खाएं लहसुन मिर्चा टमाटर प्याज के साथ, और नहीं तो हमारा वही देसी तरीका। कौन सा? आपको पता है कि मेरा देसी तरीका क्या है? जैसे हम लोग खाते हैं हमारे गांव में, इसमें तेल और मिर्चाई मिर्चा कुतूर के एकदम झरहार, और कुतूर के उसके बाद में इसमें सिर्फ सरसों का तेल डाल के खाते हैं। जब ये सोनहा साग ना सोनहा जाता है, देखिए इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इसे दबा के देखें कि बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। वो वाला साग अलग होता है, और एक साग जो होता है ना वो पानी डाल के घोट के बनता है, वो साग अलग होता है। तो वो वाला साग दोस्तों मैं बनाऊँगी किसी दिन। तो ये वाला साग मेरे को बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है। एक मेरे घर में एक ही है जो नहीं खाता है, भूखा साढ़ इधर है भूखा साढ़ दिखाया जाए। काहे मुँह छुपाता ही है, मुँह का छुपाता ही। चलो तो उसका साग बनते हैं, उसका खुशी हो जाता है, बोलता है कि साग कितना बार साग खाओगे। तो इस सर्दी में हम लोग नहीं तो कम से कम 60-70 बार साग खा चुके हैं दोस्तों, उसमें से 5-6 बार तो वीडियो दिखाई हूँ मैं आपको। तो बस इसको सुनवा लेंगे, अगर उसके बाद आपका मन करता है तो इसमें चना का सत्तू डालें। वैसे तो चना का साग है तो ये ऐसे ही सोंधा सोंधा लगेगा, तो मैं इसमें चना का सत्तू नहीं डालूंगी, और ऐसे ही इसको सुनवा के फिर मैं लाल मिर्चाई बोल रही हूँ, हरा मिर्ची और तेल नमक तो डाल ही चुकी हूँ, सिर्फ इसमें मिर्ची और नमक
फिर नमक बोल रही, मिर्ची और तेल डालना है और उसके बाद रोटी के साथ ना एंजॉय करें चाहे भात के साथ। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, साग का चना का साग मैं बनाई हूँ जिस तरीके से, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और आप लोग कैसे बनाते हैं चना का साग वो भी बताइएगा, मैं उस तरीके से भी एक बार बनाऊंगी और टेस्ट करूंगी कैसा लगता है, क्योंकि सबके घर का खाना अलग अलग होता है और वो बहुत ही टेस्टी होता है, सबका फेवरेट होता है। जैसे कि मेरा भी चना साग ना इस तरीके से बनाती हूँ तो बहुत ही फेवरेट है, बहुत फेवरेट, बता नहीं सकती कितना फेवरेट, मज़ा आ जाता है मेरे को। और मेरे ससुर जी को भी साग बहुत पसंद है, मेरे सास को भी बहुत ज़्यादा साग पसंद है। तो अभी तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि अभी खाना खा चुके हैं, साग बनते बनते टाइम लग गया है कम से कम एक घंटा से मैं पका ही रही हूँ। तो बाहर पका रही थी, पकाते पकाते रात हो गया, तो अब मैं चूल्हे पर ला के इधर गैस पर रखी हूँ, तो सोच सकते हैं मैं कितना देर पकाई हूँ। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो गोल दलवा गोल क्या दाल है, दाल एक बोल रहा दाल चावल खाऊंगा तो दाल चावल बनाना पड़ेगा ना मेरे को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती हूँ। तो फिर मिलती है दोस्तों एक नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।